मुंबई में जितना तो नहीं आ गया, यहाँ पे स्टारबक्स नहीं है। मुझे स्टारबक्स से 16 घंटा, इस पे हमला करो। Assalamualaikum, welcome back to my YouTube vlog। और हम लोग आए हुए हैं आज Lucky One Mall, so we are just right over here। और ये मेरे साथ मेरे elder brother मौजूद हैं। ये मुझे इन्होंने मुझे recommend किया है Lucky One Mall विजिट करना, तो अब आए हैं तो इंशाल्लाह पूरा देखेंगे कैसा है ये सऊदी अरब के मॉल्स की टक्कर का है कि नहीं, लेट्स सी। वैसे माशाल्लाह नो डाउट बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है एंट्रेंस। सो फाइनली हम लोग एंट्रेंस में आ चुके हैं और ये एंट्रेंस हमने पूरा क्रॉस किया है। पीछे काफी रश लगा हुआ, लाइन लगी हुई है, वो लेडीज की है। जेंट्स का तो सीधा ये है कि बस सीधा एंट्रेंस करो। अजीज मॉल, मेरे जो व्यूवर्स हैं सऊदी अरेबिया से, आई मस्ट से दिस इज बेटर देन अजीज मॉल, दिस इज बेटर देन अंदलुस मॉल। हाँ भाई सुहेब, कैसा लग रहा है मेरी रिकमेंडेशन का? आप जो देख रहे हैं मॉल कैसा लग रहा है, बताइए। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और मैंने अपने व्यूवर्स को यही बोला जो सऊदी अरेबिया से व्यूवर्स हैं, देखिए सऊदी अरेबिया के मॉल्स बहुत अच्छे हैं, लाइक अजीज मॉल हो गया, अंदलुस मॉल, बहुत बड़ा मॉल है। और कितने ब्रांड्स आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि सऊदी अरब में केवल यहाँ पर हैं? सऊदी अरेबिया में लाइक है, सऊदी अरेबिया में स्केचर्स है, स्पीड स्पोर्ट्स है, और एडिडास है सऊदी अरेबिया में। लेकिन काफी जो मॉल्स बाकी जैसे कैम्ब्रिज हो गया, ट्यूडर्स हो गया, चेरले स्पीड स्पोर्ट्स है शायद, हश पपीज हो गया, तो इस तरह के ब्रांड्स जो हैं सऊदी अरेबिया में नहीं है। तो काफ़ी ऐसे ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं जो वहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे हैं। तो चलिए ये बताएं, अभी अगर आपने खाना खाया नहीं खाया कराची का? हाँ, कराची का खाना खाया और उससे तबीयत भी काफ़ी नाजुक है। ये तो पेट में भी दर्द होगा क्योंकि पानी भी चेंज हो चुका है कराची की, बहुत सारी चीज़ें इनको हवा जो है वो लगी है कराची की, तो कराची में सेट होते होते अभी इनको एक दो महीने तक लगेंगे। अरे अभी तो मेरे जो दोस्त आए हैं सऊदी अरेबिया से, मेरे जो दोस्त आए हैं वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें सेट होने में कम से कम एक साल तो लगेगा। तो एक साल तो साल में तो पता नहीं यहाँ क्या क्या हो जाता है। वही ना, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। चले चले,
दिखा रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ के ब्रांड्स आप लोगों को ब्रांड्स के जितना मैं रिकॉर्ड कर पाया मैंने आप लोगों को ब्रांड्स जो है यहाँ के ब्रांडेड शॉप्स मैंने उन सबको कैप्चर किया जितना मैं कर सका ब्रांडेड शॉप्स को कैप्चर मैंने उतना किया और आप लोगों को दिखाया कुछ कुछ। वैसे तो बहुत सारे शॉप्स हैं मतलब देयर आर सो मेनी। तो अभी मैं इनके साथ फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ और ये देखिए पीछे बारबेक्यू टुनाइट खाने का इत्तेफाक हुआ है या बारबेक्यू टुनाइट ये वाला नहीं कह रहा मैं सी वी वाले की बात कर रहा हूँ। सी वी वाले पे तो मैं अभी तक नहीं गया कोलाची वगैरह अभी अजान हो गई असर की अजान हो रही है और बारबेक्यू टुनाइट फ्लेमिंगो मॉल में है सबको पता है वहाँ के जितने भी व्यूवर्स है यहाँ पे भी है मैंने अब तक नहीं देखा था यहाँ पे अब देख रहा हूँ बारबेक्यू टुनाइट। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स नजर आया और पीछे वंडरलैंड भी है। अच्छा वंडरलैंड यहाँ की बड़ी जबरदस्त जो है वो खासियत है यहाँ पे लोग काफ़ी वंडरलैंड से आते हैं जो काफ़ी स्पेशली किड्स हैं क्योंकि बड़े डिफरेंट किस्म की राइड्स हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त है तो इनको अंदर में करके जो है वो बास्किन रॉबिन्स यहाँ पे नजर आया है तो हम सबसे पहले इनको बास्किन रॉबिन्स की तरफ लेके चलते हैं ताकि इनको कुछ अपनाइत फील हो यहाँ बिल्कुल। भाई यहाँ पे डंकिन डोनट्स भी है यहाँ पे KFC भी है भाई मैं जिद्दा तो नहीं आ गया नहीं जिद्दा नहीं आया मैं अभी नहीं लेकिन आप कराची में ही आपको यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप पिज़्ज़ा हट भी दिख गया ना इसलिए है लेकिन फिर वो आगे मैं देखता हूँ तो हिब्बीज नहीं ब्रोकली भी है वहाँ पे और क्या नाम है कौन सी चीज़ें जिसको देख के मुझे याद आ जाता है कि मैं कराची में हूँ वो है ब्रॉडवे पिज़्ज़ा। आप थोड़ा सा बाहर जाएं W11 मिल जाएगी आपको चल जाएगा कि आप कराची में W11 मिल जाएगी यहाँ की हमारी बड़ी आर्ट है बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है W11 में जिसने सफ़र नहीं किया उसको पता ही नहीं है कराची कैसा है तो ये बड़ा इंटरनेशनल आर्ट है आपको पता है यहाँ पे ट्रक्स का आर्ट और बस और मेरे सामने चल रहा है मैकडोनल्ड्स का लोडेड फ्राइज का एड ये देखें लोडेड फ्राइज मैकडोनल्ड्स के भाई इन्होंने तो क्रेविंग्स बढ़ा दी भाई एड बंद करो इन लोगों के चले चटनी चौक इस तरह के जो नाम है ना पीछे चटनी चौक ये यहीं पे हो सकते हैं ठीक है लेकिन सुहेब मैं आपको जरा सा बता दूँ आपका क्रेविंग का बड़ा शौक हो रहा है तो आपने यकीनी तौर पे कोक को पियोगी तो कैसी लगी आपको कोक का एक्सपीरियंस बाहर की कोक और यहाँ की कोक नहीं तो नो कमेंट्स अब आपकी बढ़ी गई है तो आप ट्राई भी कर लें नो कमेंट्स मैं इस चीज़ पे कमेंट ही नहीं देना चाहता। चलें ठीक है अभी हम देखते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है फूड कोर्ट का तो हम फूड कोर्ट ट्राई करते हैं चलें चलें फिर चलें लेट्स गो ये तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं यहाँ पे सबवे भी है KFC भी है मैकडोनल्ड्स भी है बास्किन रॉबिन्स भी है तो क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे स्टारबक्स नहीं है मुझे स्टारबक्स चाहिए थी एक तो स्टारबक्स कॉफी हम आपको पठानी चाय पिलाते हैं नहीं ठीक है और स्टारबक्स का आपको शेक्स चाहिए थे और हाँ अल्बेक OPTP तो है लेकिन अल्बेक का मुकाबला कुछ नहीं कर सकता नहीं, कुछ भी यहाँ पे हमारे पास खान जरूर है और दूसरे भी हैं ठीक है अल्बेक भी है और बहुत सारे दोस्त हैं KFC है लेकिन बाहर के KFC और यहाँ का KFC समथिंग डिफरेंट हो सकता है हाँ डिफरेंट टेस्ट इन डिफरेंट मैकडोनल्ड्स अच्छा और दूसरा ये कि आपको जो है वो स्टारबक्स में क्या पीना था शेक्स का है तो हम आपको माशाल्लाह मिल्क सेंटर से यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो शेक ही पिला सकते हैं मुझे स्टारबक्स का ही चाहिए मैं आपको एक्सपीरियंस जरूर कराऊंगा कि हमारे तारिक रोड पे बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मिल्क सेंटर है वहाँ पर हम जरूर बातें करते करते हार्डीज भी आते हैं
हार्डीज चले। हार्डीज भाई, हार्डीज लाइक मैंने बहुत खाया है वहाँ पे। इट्स अ ब्रांड भाई। गोला गंडा नजर आ गया, गोला गंडा इस पे हमला करो। क्यों इस पे हमला करे? गोला गंडा पे चले करके देख ले। चले वैसे भी सर्दियों हो रही है तो आपको हो सकता है अच्छा लगे गोला गंडा। अरे नहीं, और आपने जो सऊदी अरब में देसी चाट ली जाएगी, तो हमारे बैग पे देसी चाट का बना चाट गोल गप्पे तो मिलते ही है वहाँ पे। कई कई जगह पे बहुत कम कम जगह पे मिलते हैं, लेकिन बहुत महंगे होते हैं और टेस्ट वैसे नहीं होता। ट्राई करते हैं। हाँ आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे। चले ये तो लकी वन का है चाट, जो कि यहाँ पे चाट भी बहुत अच्छी खास ही एक्सपेंसिव होती है, तो बाहर के चाट तो उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं करी है, तो ये वाली चाट उनको ट्राई करना। चले चलो चलो चले चले। यहाँ की खासियत है KFC जो है वो उर्दू में लिखा हुआ है। मुझे आदत है अरबी में देखने की, अब मैं चीज़ें उर्दू में देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और भाई अब तो भाई फूड कोर्ट भी देख लिया, काफ़ी अच्छा लगा सब, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम लोग पूरा अच्छे से घूम लिए भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, इतना बड़ा मॉल है। इंशाल्लाह केयरफुल जो है वो सऊदी अरब में भी है, फ्लेमिंगो मॉल में, तो वो मैं भी वहाँ नहीं गया क्योंकि भाई थक गया भाई, बहुत बड़ा मॉल था। चले यहाँ का इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करी हैं और इन्होंने पूरा लकी वन विजिट कराया है। हाँ ओके, इनको अच्छा लगा और आप लोगों को भी हमारा पहला व्लॉग, मेरा पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हम आप जो है वो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और इनके चैनल पे भी इनकी वीडियो आ रही है, इनकी वीडियो पे प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करना, मेरी और भाई की वीडियो, दोनों की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करना, नीचे कमेंट्स में अपने राय शेयर करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और शेयर जरूर करना और आगे आप लोगों को किस तरह की मजीद व्लॉग्स। हाँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं व्लॉग्स करने के, बहुत सारे आने वाले आपको करने और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे बहुत करीब है 1000 की कर दे, अब 960 पे पहुंच गया हूँ मैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके 1000 लेके जाओ मुझे। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।